छोटी काशी मंडी स्थित टाउन हॉल में इन दिनों जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में जिला भर के करीब 200 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता रहने वाले खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मंडी जिला का प्रतिनिधित्व करेंगे। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में खासा क्रेज देखा जा रहा है। अंशकालीन जलवाहकों का अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। अनशन के तीसरे दिन जलवाहक ने मंडी शहर में कैंडल मार्च कर रोष प्रकट किया। साथ ही अंशकालीन जलवाहक ने डीसी मंडी आशुतोष गर्ग के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन प्रदेश सरकार को भेजा। अंशकालीन जलवाहक संघ के जिलाध्यक्ष फुट्टूराम ने सरकार से उनके द्वारा की गई मांगों पर शीघ्र गौर करने की अपील की है। इस अवसर पर अंशकालीन जलवाहक संघ के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। नूरपुर के आर्य डिग्री कॉलेज के कमरों में लोकसभा चुनाव के समय से ईवीएम मशीनें रखी गई हैं, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। एनएसयूआई के प्रधान दीपक मेहरा की अध्यक्षता में एनएसयूआई के विद्यार्थियों ने नूरपुर के तहसीलदार डॉक्टर गणेश ठाकुर को ज्ञापन सौंपा। दीपक मेहरा ने बताया कि चुनाव हुए लगभग 2 महीने का समय हो गया है, लेकिन ईवीएम मशीनें कॉलेज के कमरों में ही पड़ी हैं, जिससे बच्चों को पढ़ने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश सरकार से अपील की जाती है कि इन ईवीएम मशीनों को कॉलेज के कमरों से हटाया जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। नूरपुर के तहसीलदार डॉक्टर गणेश ठाकुर ने बताया कि कॉलेज के एनएसयूआई विद्यार्थियों द्वारा ईवीएम मशीनों को लेकर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कॉलेज में लोकसभा चुनाव के समय जो ईवीएम मशीनें रखी गई थी, उसके बारे में ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन उपमंडलाधिकारी को भेज दिया गया है और अंतिम निर्णय चुनाव आयोग लेगा। एसडीएम नूरपुर डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने सब्जी मंडी जसूर का औचक निरीक्षण किया। एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर ने पॉलीथीन को लेकर ये निरीक्षण किया। दुकानदारों में काफी हड़कंप मचा हुआ है। दुकानदार पॉलीथीन को छुपाते हुए नजर आए। दुकानदार एकदम से सहम गए और उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। सब दुकानदार इधर उधर भागते दिखाई दिए। एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि जसूर सब्जी मंडी में पॉलीथीन का जमकर उपयोग किया जा रहा है। सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जसूर सब्जी मंडी का औचक निरीक्षण किया गया और पाया गया कि अधिकतर सब्जी विक्रेता पॉलीथीन का सरेआम उपयोग कर रहे हैं। दुकानदारों को चेतावनी दी गई और कहा गया कि अगर दुकानदारों ने पॉलीथीन का उपयोग किया तो उनका चालान किया जाएगा। इस मौके पर 2 दुकानदारों ने पॉलीथीन के 500 रुपए के चालान करके चेतावनी दी गई। नूरपुर के एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने बोर्ड से लेकर कंडवाल तक सभी नालियों और खड्ड का संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि मेन रोड पर दुकानदारों के आगे जो नालियां बनी हुई हैं, उसमें दुकानदारों ने कूड़ा करकट फेंक कर नालियों को बंद कर दिया है। डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने दुकानदारों को नालियों को साफ करने के दिशा निर्देश दिए और कहा कि आगे से इन नालियों में किसी ने भी कूड़ा करकट फेंका तो उस दुकानदार को जुर्माना किया जाएगा। एसडीएम ने कंडवाल तक सभी खड्ड नालों का निरीक्षण किया और संबंधित विभाग को निर्देश दिए कि बरसात के मौसम में
कोई अप्रिय घटना घटित न हो इसके लिए विभाग सचेत रहे। एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि मानसून हिमाचल में दस्तक दे चुका है। गत वर्ष भी बरसात में कुछ पंचायतों में काफी नुकसान हुआ था। यहां पर समस्या है, वहां पर कंक्रीट बॉल भी लगा दिए गए हैं, फिर भी कुछ न कुछ कमियां हैं, उनके लिए भी आज निर्देश दिए गए हैं। देखा गया कि कुछ दुकानदार अपनी दुकानों का कूड़ा करकट नालियों में फेंक देते हैं, जिससे नालियां बिल्कुल बंद हो जाती हैं। बरसात के दिनों में बारिश अधिक होने के कारण बारिश का पानी नालियां बंद होने के कारण सड़क पर आ जाता है और घरों व दुकानों में घुस जाता है, जिस कारण बरसात के दिनों में काफी नुकसान होता है। सभी दुकानदारों को निर्देश दे दिए हैं कि वे अपनी दुकानों का कूड़ा करकट नालियों में न फेंके। अगर कोई भी दुकानदार कूड़ा करकट नालियों में फेंकता हुआ पाया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।